इस सृष्टि के सबसे पहले योगी है जिन्होंने योग सिखाया इस सृष्टि पर, वो भगवान शिव, इसीलिए उनको आदि योगी भी कहते हैं, आदि गुरु भी कहते हैं। सबसे पहले गुरु वही है, आदि गुरु और आदि योगी भगवान शिव का ही एक अलौकिक और अकल्पनीय, जिसकी असर अकल्पनीय है, ऐसा जो उन्होंने एक ग्रंथ दिया है उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है चेतना के पार जाने की विधि, प्रक्रिया। अब ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, विज्ञान हमेशा प्रमाण देता है, ये कोई ज्ञान चर्चा नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन के वो सारथी बने। पर यहाँ पर जो विज्ञान भैरव तंत्र आदि योगी, आदि गुरु भगवान शिव ने जो दिया, वो टेक्निक दिए, उन्होंने ज्ञान चर्चा नहीं दी है। ज्ञान चर्चा यानी कुछ सुनना और उसको सुनकर कुछ समझना। पर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान हमेशा ज्ञान पे नहीं चलता है, विज्ञान हमेशा प्रमाण देता है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र का अगर अर्थ समझे तो विज्ञान यानी चेतना, भैरव यानी वो अवस्था, शिव की वो अवस्था जिसमें उन्होंने ये तंत्र दिया, उस अवस्था को भैरव कहा है। तंत्र यानी टूल या फॉर्मूला, या तंत्र को हम विधि के नाम से भी समझ सकते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का ये सिंपल अर्थ है। ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये भगवान शिव ने, ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक किसको कही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में 112 टेक्निक है, 112 धारणाएं हैं जो भगवान शिव ने एज अ फॉर्मूला दी है कि ये करने से ये होता है। अच्छा, इसमें कोई ज्ञान चर्चा नहीं, पहले ही मैंने बताया, कोई समझाया नहीं है या आपको समझ में आना चाहिए, या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। भगवान शिव ने सिंपल फॉर्मूला दिया कि 1 और 1 2 होता है, इतना सिंपल कैलकुलेशन है ये। इसीलिए ये विज्ञान भैरव तंत्र जो है, इसकी असर भी बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र करने के बाद जो व्यक्ति में परिवर्तन आता है, या उनकी चेतना जो अवस्था में पहुंचती है, वो अवस्था कहते हैं कि बाहर से देखने से नहीं पता लगता है, वो जो परिवर्तन है वो अंदर ही अंदर और बहुत ऊंचे लेवल तक जाता है। ऐसा ये विज्ञान भैरव तंत्र की जिन्होंने अनुभूति की है वो बताते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र काश्मीरी शैविज्म का एक हिस्सा है, एक भाग है। तो वहां के ही एक लक्ष्मण जू, स्वामी लक्ष्मण जू जी थे, उन्होंने ये आत्म साक्षात्कारी थे खुद, और उन्होंने ये विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर बहुत सारे डिस्कोर्स भी दिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से ये टेक्निक को अनलॉक किया था। क्योंकि देखिए, ये एक बात भी समझने जैसा है, ये फॉर्मूलाज है, एक सिंपल फॉर्मूला को हमें अगर अनलॉक करना है तो उसके लिए हमें साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 टेक्निक भगवान शिव ने, जिनको भैरव कहा है, भैरव ने जो 112 टेक्निक दी है, उसको अनलॉक करने के लिए उसी चेतना पर जो व्यक्ति है वो ही इसको अनलॉक कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, एक स्वामी लक्ष्मण जू जी थे, उन्होंने, वो खुद आत्म साक्षात्कारी थे, उन्होंने ये टेक्निक को अनलॉक करके उनके जो भी डिस्कोर्सेज रहते थे उसमें वो बताते थे। उनका देहांत 1991 में हो गया, उसके बाद आज तक
कोई ऐसे मिले नहीं या ऐसे है नहीं जो ये टेक्निक को अनलॉक करके हमारे जीवन में इसका इसके जो अनुभव है या इसका जो लाभ है वो हम तक पहुंचा पाए। तो पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, ये विज्ञान भैरव तंत्र का जो के जो टेक्निक्स हैं वो करवाते हैं, और बहुत ये भी कर पाना अगर सद्भाग्य है और हमारा भाग्य, कहते हैं ना कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में तभी आती है कि जब लेने की पात्रता हमारी आई हो तब। तो गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी बहुत सारे सिटीज में ये विज्ञान भैरव तंत्र के कोर्स वो करवा रहे हैं, दिल्ली, पूना, राजकोट, सूरत, बहुत सारा हमारे भारत देश में। वो हमारा सौभाग्य है कि वो घूम घूम कर ये विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में, जिससे लोगों के जीवन में प्रोफाउंड फर्क भी पड़ रहा है और जो जो व्यक्ति इसको अटेंड कर रहे हैं उनके जीवन में इसकी अनुभूति अलौकिक हो रही है। तो फिर से हम अपनी बात पर आ रहे हैं कि भगवान शिव ने, भैरव ने ये 112 टेक्निक किसको दी। तो ये जो, अच्छा ये कहते हैं कि ये 5000 साल पहले अनलॉक की हुई या पहले स्क्रिप्चर्ड की हुई ये सारी सारे सूत्रस हैं। अच्छा ये सारे छोटे छोटे सूत्र हैं, ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे श्लोक हैं। कई कई ज्ञानी तो कहते हैं कि ये पूरे श्लोक पूरा एक सूत्र भी नहीं है, इतना छोटा सा भगवान ने बताया है कि आधे शब्द में ही उन्होंने वो टेक्निक दी है। तो ऐसे 112 टेक्निक 5000 साल पहले तो इसको डाउनलोड किया हुआ होगा, कोई ऋषि मुनि ने इसको डाउनलोड किया होगा। कहते हैं ना कि साधना में ये सब आता है, तो ये तो सूत्र तब डाउनलोड किए होंगे, पर भगवान शिव ने तो इसको, क्योंकि भगवान शिव ही आदि अनादि है, तो ये सारा विज्ञान भैरव तंत्र कब से इस सृष्टि में होगा हम जानते नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को आदि अनादि कहते हैं, उनका कोई और छोर है ही नहीं। तो ये सब कब से ये सृष्टि में है हमें भी पता नहीं है, पर हमारा भाग्य ये है कि आज हमें ये पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा हमें ये जीवन में, हमारे जीवन में ये प्राप्त हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। तो कहते हैं कि ये जो 112 टेक्निक है ये भगवान शिव ने उनकी सबसे प्रिय व्यक्ति, उनके जीवन की, वो उनके जीवन की सबसे प्रिय व्यक्ति, वैसे भगवान को सब प्रिय रहते हैं, पर कहते हैं ना कि इस सृष्टि का अगर सबसे रोमांटिक कपल है तो वो है शिव पार्वती का। तो वही उन्होंने पार्वती का जो प्रश्न था, पार्वती जब भगवान शिव को पूछती है, क्योंकि पार्वती को भगवान शिव ने बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे अपना ज्ञान उन्होंने पार्वती को दिया था, पर फिर भी पार्वती ने एक बार भगवान शिव के सामने अपने संशय के बारे में प्रश्न किए। अच्छा प्रश्न का भगवान शिव जवाब भी दे सकते थे, उत्तर भी दे सकते थे, क्योंकि बहुत प्रिय, देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा है कि वो कहते ना, इसीलिए तो सोलमेट कहा जाता है एक दूसरे को, सोलमेट यानी एक कनेक्शन ही ऐसा है कि 5 वाक्य बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें भी आपकी शादी के थोड़े और ज्यादा साल हो चुके हैं तो सिर्फ नजर से ही पता लग जाता है कि भाई क्या कहना है और उनको क्या पूछना है। तो यही बात ये विज्ञान भैरव तंत्र में साबित होती है कि शिवजी ने, भैरव ने ये सूत्र भैरवी को दिए, शिव ने ये सूत्र पार्वती को दिए, इसीलिए उन्होंने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्योंकि सबसे प्रिय उनकी थी पार्वती और पार्वती शिव का इशारा जानती थी, तो उन्होंने छोटे छोटे सूत्र 112 छोटी छोटी टेक्निक दी पार्वती को।
ज्ञान नहीं दिया, फिर से ये समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ज्ञान हमको समझना पड़ेगा पर टेक्निक हमको इम्प्लीमेंट करनी है और उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, ये टेक्निक का फायदा है। तो पार्वती को 112 टेक्निक दी कि चलो ये काम नहीं करता है ये काम करेगा, ये काम नहीं करता है ये काम करेगा। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की अपनी समझ अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अपना जो इतने जन्मों से इवोल्यूशन हो रहा है वो अलग अलग है। पर ये 112 टेक्निक इतनी पावरफुल है, इतनी प्रोफाउंड है कि कोई ना कोई टेक्निक तो हमारे जीवन को धन्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक एक जोरदार, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। तो भगवान शिव ने, भैरव ने भैरवी को ये टेक्निक दी और पार्वती ने ये सारी टेक्निक, क्योंकि ये तो फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंपल 1+1=2, ये करने से ये होता है, ये करने से ये फायदा होता है। उसमें एक छोटी सी एक कोई शेयर कर रहे थे, एक छोटी सी टेक्निक भगवान शिव बताते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली, सांस छोड़ी, कॉन्स्टेंट ये प्रोसेस चल रहा है, हमको उसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं डालना है, अपने आप चल रहा है। अब सोचिए, एक टेक्निक इसमें ऐसी है कि सांस लेते अवेयरली, ये कोई इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके बीच में एक कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक ऐसा पॉज आ रहा है, उसके ऊपर एक टेक्निक है। आप सोचिए, अब इतना सूक्ष्म तो हमारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती है, इसीलिए तो विज्ञान भैरव तंत्र रखा है। विज्ञान भैरव तंत्र यानी फॉर्मूलाज है भाई, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है, सिंपल फॉर्मूलाज है। आप वहां बैठिए, सामने आपके सिद्ध बैठे हैं, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, उनकी प्रेजेंस में ये टेक्निक, आप सोचिए ना, टेक्निक तो इतनी प्रोफाउंड है ही है, पर उनकी उपस्थिति में, उनके गाइडेंस द्वारा जब हम ये करते हैं तो उसकी असर फिर जीवन में, जीवन को कहां से कहां ले जाएगी। तो यही बस विज्ञान भैरव तंत्र है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपको जहां पर भी मौका मिले विज्ञान भैरव तंत्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, तो आप जरूर जाइए और अपने जीवन को एक नया आयाम दे। क्योंकि देखिए, ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, भैरव ने, भगवान शिव ने उनकी सबसे प्रिय पार्वती को दिया, भैरवी को दिया। और जब हम कुछ हमारे सबसे प्रिय, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उनको कुछ कहते हैं या उनको कुछ देते हैं, तो वो जीवन में सबसे ज्यादा अमूल्य है, सबसे ज्यादा प्रेशियस है, वो ही हम देते हैं। और ये ज्ञान सच में ऐसा है, और वो भी हम जब सिद्ध की उपस्थिति में, गुरुदेव की उपस्थिति में, ये हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद से आता है, तो वो फलीभूत तुरंत ही होता है। वो जो फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, विज्ञान भैरव तंत्र सारे सूत्र हैं, वो सूत्र कहते हैं ना, जैसे शक्तिपात, एक शब्द सुना होगा आपने कि सिद्ध की उपस्थिति में तुरंत ही हमारे जीवन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो भगवान शिव ने दिए हुए सूत्र है, और वो गुरुदेव की उपस्थिति में हम वो टेक्निक करते हैं। फिर तो आप सोचिए, गुरुदेव की उपस्थिति और भगवान शिव का ज्ञान दोनों जब मिलता है, तब हमारे जीवन में ज्ञान, उन्नति, हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं आने में कौन रोक सकता है। तो आप जरूर विज्ञान भैरव कहीं ना कहीं अटेंड करिए। जैसे मैंने 4 बार विज्ञान भैरव अटेंड किया है, हर एक बार वो अनुभव कुछ अलौकिक ही रहा है, और वो अनुभव हमेशा साथ में चलता है जीवन में। ऐसा नहीं कि तब मैंने 2 घंटा वहां पर वो अनुभूति की, उसके बाद वो जीवन में अपने आप, कहते हैं ना, 1+1=2, तो वो जो 2 का अनुभव है वो हमेशा साथ में रहता है। तो इसीलिए चलिए, काल भैरव
कहते हैं ना, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। विज्ञान भैरव तंत्र अद्भुत है, अलौकिक है, और उसमें भी जब गुरुदेव का साथ हो फिर तो बात ही कुछ और है। गुरु जी, शिव कौन है और भैरव कौन है? एक ऑफिशियल सूट में है, दूसरे रिलैक्स घर पे बैठे हैं, कैजुअल ड्रेस। जब प्रोफेसर हो जाते हैं, गुरु बनते हैं, तो भैरव। और विज्ञान जब पढ़ाते हैं तो विज्ञान भैरव। और भोले बाबा ऐसे बैठे रहते हैं अपना आराम से, बैल को एक जगह बिठा करके, तो वो शिव है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए।